1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर केजरीवाल सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बसों की पार्किंग के मुद्दे पर सरकार से पूछा है कि क्या ये बसें हवा में उड़ेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर के बेंच ने कहा, नई बसें लाने से पहले दिल्ली सरकार के पास बसों को पार्क करने का प्लान होना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम ने कहा कि नई बसों को पार्क करने के लिए जगह मौजूद है और इसके लिए अलग से पार्किंग बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने लो फ्लोर बसों की खरीद पर दिल्ली सरकार से एक टाइमलाइन पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पार्किंग के लिए जगह खरीदना बसें या आलू खरीदने जैसा नहीं है। दिल्ली सरकार ने पहले स्टैंडर्ड लो फ्लोर की CNG बसें लाने का फैसला किया था, जिसके बाद में लो फ्लोर को इलेक्ट्रिक बसों में बदल दिया गया, जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्किंग के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को 3 सप्ताह के अंदर एक्शन प्लान जमा कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने बिना ये प्लान फाइनल किए ही नई लो फ्लोर 1000 बसें कहां पार्क होंगी, बस खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने 28 फरवरी तक पार्किंग का प्लान जमा नहीं कराया तो कोर्ट बसों को खरीदने के ऑर्डर पर स्टे लगा सकती है और अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकती है।